वहीं स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब दूसरे वर्ग को आरक्षण का लाभ देने के लिए 14% पद कम कर दिए। नतीजा, प्रदेश के 689 बेरोजगार चयन से वंचित हो गए। ये युवा बेरोजगार अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सरकार से कम किए पदों को जोड़ने की गुहार लगा रहे हैं। नौकरी के लिए भटक रहे इन युवाओं को देखिए, जिसके हुनर से स्कूलों में नौनिहालों का भविष्य बनता, बच्चों को तालीम मिलती, लेकिन आज खुद इनका भविष्य अंधेरे में है। ये बेरोजगार युवा स्कूल व्याख्यादाता भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। इनकी मांगों को लेकर कभी मंत्रियों ने तो कभी अधिकारियों ने भरोसा दिलाया, लेकिन भरोसा अब तक हवा हवाई ही साबित हो रहा है। नतीजा, सैकड़ों युवा बेरोजगार अब भी उम्मीद के भरोसे जी रहे हैं। दरअसल साल 2018 में स्कूल व्याख्यादाता के 5000 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के दौरान ईडब्ल्यूएस को 14% और एमबीएस को 4% आरक्षण का लाभ दे दिया गया, जिसके बाद इन पदों को शेडो पदों से भरने की भी घोषणा की गई। लेकिन विभाग द्वारा अलग से पद सृजित करने की बजाय ओबीसी और सामान्य वर्ग से ही 14% पदों की कटौती करते हुए ईडब्ल्यूएस और एमबीसी में आरक्षण का लाभ दे दिया गया, जिसके चलते ओबीसी और सामान्य वर्ग के 689 अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए थे। अब ये अभ्यर्थी पिछले एक साल से पदों को जोड़ने की मांग को लेकर गुहार लगा रहे हैं। आने वाले 10 सितंबर को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले 10 सितंबर को होने वाले विधानसभा घेराव में हम सम्मिलित होंगे और घेराव करेंगे, और 689 अभ्यर्थी पूरी जी जान से हम उस महापड़ाव में शामिल होंगे। और राजस्थान सरकार श्री माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से हमारा सभी अभ्यर्थियों की तरफ से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हम सब अभ्यर्थियों के साथ न्याय करके न्याय करें। चयन प्रक्रिया से बाहर हुए अभ्यर्थियों का कहना है कि महज कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 689 अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए। साल 2018 में निकाली गई इस भर्ती की तैयारी लंबे समय से वो कर रहे थे। उन्हें हर बार सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। अब वंचित बेरोजगारों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है और अपनी मांगों को लेकर 10 सितंबर को विधानसभा कूच के साथ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इनका कहना है कि जब तक कम किए गए पदों को फिर से नहीं जोड़ा जाता, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हमने कई आंदोलन किए, कई बार हमने धरना प्रदर्शन किया, शिक्षा मंत्री से कई मुलाकातें हुई, कई मंत्री, विधायक, विपक्ष पार्टी, मतलब शायद ही कोई रह गया होगा जिन्होंने हमें आश्वासन नहीं दिया कि हमारा काम नहीं होगा। बट वो आपको पता ही है कि पता नहीं उनको टाइम नहीं है या वो क्या उनका शेड्यूल है कि वो वादे पे वादे करे जा रहे हैं बट पूरा नहीं कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने विभाग द्वारा कम किए गए पदों को जोड़ने की फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी है, तो वहीं बेरोजगारों को अंतिम उम्मीद अब प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से है। देखना है कि सरकार इन वंचित अभ्यर्थियों की मांगों पर कितना गौर करती है। ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। वही टोक्यो बैरा